22 दिसंबर यह दिन नरेंद्र मोदी का दिन था। मुंबई में उनके स्वागत के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्वागत के लिए पुलिस का पुख्ता इंतजाम भी किया गया था। जगह जगह से लोग यहां आए, जिनके लिए हजारों की तादाद में बसों का भी इंतजाम किया गया था। इस भीड़ को देखते हुए हमारे संवाददाता ने जनता से उनकी राय ली। आखिर वो क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे अगले पीएम? आप यहाँ भीड़ देखने के बाद तो होश उड़ गए हैं सबके। ऐसा लगता है कि मोदी की पूरी लहर बम्बई में नहीं पूरे देश में चलने वाली है। अरे सभी पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं। ये देखो अकेले अकेले मुंबई से नहीं है, अभी आ रहे थे तो हम रास्ते में थे तो राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, कुछ बिहारी भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ कर्नाटक के थे, आंध्र के थे, सभी चारों तरफ से आए क्योंकि बॉर्डर लगी हुई है ना महाराष्ट्र से। यहाँ पे हर समाज के, भिवंडी के मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं। मुस्लिम समाज की 10 बसें भर के आई है, महिलाएं है उसमें, और भिवंडी से कम 100 छोटी गाड़ियां भर के आई है। ऐसे महाराष्ट्र कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ पे चाय वाले कम से कम 25 से 30 हजार लोग आए, जो चाय बेच रहे वो VIP कैबिन में बैठे हुए थे। क्या कह रहे हैं आपका यहाँ की भीड़ देखने के बाद? यहाँ की भीड़ देख के लगता है अभी कांग्रेस की सरकार नष्ट होने वाली है। यहाँ पे BJP का और मोदी का ही आवाज उठने वाला और BJP। यह सिर्फ एक की राय नहीं बल्कि यहाँ पहुँचे हर एक लोगों की यही राय है। सर मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की जो लहर चल रही है उसके हिसाब से इस बार मोदी जी का ही काम, मोदी जी का ही राज आएगा और हर आदमी मोदी जी के पीछे है। हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल गांधी की तरह नरेंद्र मोदी भी अब युवा को अपना निशाना बना रहे, वो चाहते हैं कि युवा भी उनको वोट करे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा अगर राहुल गांधी भी हमारे के जैसे विकास का होता तो हम राहुल गांधी को सपोर्ट करते, लेकिन मोदी का सपोर्ट है। देखा यहाँ पे सिर्फ मुंबई से नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से लोग नरेंद्र मोदी के लिए आई है, तो आइए देखते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। आप कहाँ से आए हो? मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। कितने लोग आए आप लोग? हम 2000 लोग आए। 2000 लोग? आने की व्यवस्था में कोई कमी? नहीं नहीं, कम नहीं, बहुत अच्छी थी व्यवस्था, सब व्यवस्था अच्छी थी। क्या लगता है आपको यहाँ पे इतनी भीड़ देखने के बाद नरेंद्र मोदी के बारे में? नरेंद्र मोदी चुनके आएंगे, पंतप्रधान बनेंगे, ये तो हमारी लाठी है अभी। लाठी बन चुकी है। काफी सारी महिला भी आई है, तो महिलाओं को इस बारे में क्या कहना है? महिला तो सब मोदी साहब के पीछे है, सब भारतीय जनता पार्टी के पीछे है सब। आप लेकिन सवाल आकर फिर वहीं रुकता है कि क्या इस बार का जनता वोट लाएगा लोगों के लिए नई खुशी? अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक शायद हम इंतजार ही कर सकते हैं। तरफ नरेंद्र मोदी का एक फेवर है, हर आदमी, हर बच्चा, हर महिला वर्ग, हर वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ चाहते हैं और मोदी के लिए काम करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है जो युवा लोग हैं वो राहुल गांधी को वोट करेंगे नरेंद्र मोदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। युवा अभी राहुल गांधी से परेशान हो चुका है, कांग्रेस से परेशान हो चुके हैं। 700 साल उन्होंने मुगलन राज किया, 150 साल अंग्रेजों राज किया और अभी 60-65 साल से कांग्रेस राज कर रहे हैं। ये कांग्रेस राज हम लोग परेशान हो चुके हैं। हम अभी युवा पूरे मोदी के पीछे है और भाजपा की सरकार यहाँ लाने के पीछे। चारों राज्य में युवाओं ने प्रदर्शन दिखा दिया है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, हम युवाओं के हर मन में अभी मोदी छाए हुए हैं और भाजपा ही छाई हुई है, भाजपा ही आएगी। आपने देखा कि पहले सब नरेंद्र मोदी को वोट नहीं, राहुल गांधी को वोट करते थे युवा लोग, लेकिन अभी चार राज्यों में जीतने का प्रयास कर रहे हैं, सब युवा नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो पहले से ये चीज मानते हैं कि कभी राहुल गांधी को किसी युवा ने आज दिन तक सपोर्ट किया ही नहीं है। सपोर्ट किया है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है युवा लोगों ने, कि युवा लोगों की तकलीफ उन्होंने समझा है। और ये आपको क्या लग रहा है यहाँ पे भीड़ देखने के बाद? नहीं, ये भीड़ 100% है। आप ये जो भीड़ है, आप इस भीड़ को इस तरह से नहीं बोल सकते कि ये जो भीड़ आई है खाली सुनने के लिए आई है, मनोरंजन के लिए, इस तरह से नहीं है। एक भीड़ है, समझो एक व्यक्ति आया तो वो कम से कम 10 वोटर को कन्वर्ट करेगा, एक को 8-10 के गुणा करके। इतनी भीड़ देखने, ये राजस्थान में इस तरह से हुआ है, मेरे पास राजस्थान में इस तरह से हुआ है। फर्स्ट टाइम जहाँ भी वोटिंग बढ़ा है, युवाओं ने वोट दिया है, वहाँ पे BJP आई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको सर आपने देखा यहाँ पे आए हुए लोगों का इस बारे में क्या कहना है? वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, जिस तरह कांग्रेस ने 10 साल से रूल कर चाहिए भारत सरकार को, उसी तरह लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे रूल करे। यहाँ पर BJP के छोटे बड़े सब कार्यकर्ता मौजूद है, उन्होंने काफी सारे वादे भी करे। लोगों को पूरा यकीन है कि जो BJP वादे कर रही है वो कांग्रेस की तरह जाए नहीं जाएंगे। BJP सरकार में आने के बाद BJP अपना पूरी तरीके से काम करेगी। लोग बहुत खुश है कि जिस तरह चार राज्यों में नरेंद्र मोदी
मोदी ने जीत हासिल करी, वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह अपना मुकाम बरकरार रखे। महाराष्ट्र के और भी काफ़ी जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह हम गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में मुंबई के पैंथर बिरला कॉम्प्लेक्स में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह हम पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करिए। सिर्फ बड़ों बच्चों के दिल में नहीं, बल्कि युवा जो पहले राहुल गांधी को सपोर्ट करते थे, उनका भी कहना है कि उन्होंने भी अपनी राय चेंज कर ली है। वो भी चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में यहाँ पे बड़े बड़े चर्चे निकाले जा रहे हैं। आपको पता है जिस तरह से कांग्रेस ने इतने साल से रूल करे, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये रूल खत्म हो जाए और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जिन्होंने उन्हें दिल्ली में टप दिया है, वो लोगों का कहना है कि वो सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अगर सरकार चलाना है तो पहले सरकार में आके बन के दिखाया जाए। तो ये देव शिक की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ, तेलंगा 24 न्यूज़ मुंबई।